हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। आज हम बहुत ही टेस्टी मालपुआ बनाएंगे। इसके लिए हमें एक पतीली चाहिए। इसमें अब हम सूजी डाल देंगे। हम मैदा डालेंगे। सूजी डाल देंगे। नारियल पाउडर डाल देंगे हम। आप चाहें तो यहाँ पे नारियल को बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, इसे मिक्सर जार में पीस कर। बट अगर आप ऐसे पाउडर डालेंगे, नारियल पाउडर, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। अब हम एक कटोरी इसमें शक्कर डाल देंगे। वो अपने टेस्ट के अनुसार कितना भी शक्कर डाल सकते हैं। आप चाहे तो एक घर का कटोरी या कप ले सकते हैं, उससे मेजरमेंट एक एक कप का कर सकते हैं। और आपको ज़्यादा कुरकुरा चाहिए तो इसमें सूजी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसे हम पानी से घोल लेंगे। आप इसे दूध से भी घोल सकते हैं, लेकिन दूध हमें रूम टेम्परेचर का ही लेना है, फ्रिज का नहीं लेना है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, घोल तैयार कर लेंगे। इसे हमें एक ही डायरेक्शन में ऐसे घुमाना है कलछी को। अगर आप इसे एक बार अलग डायरेक्शन में घुमाते हैं, एक बार अलग, तो इसमें अच्छे से ये फ्लपी नहीं होते हैं। देखिए, हम एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करना है, जिससे कि इसमें जो भी गुठलियाँ हों वो मतलब गुठलियाँ अच्छी ठीक हो जाएंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अब इसे हम यहाँ पे हमने इसमें जो हमने कटोरी लिया था उसी कटोरी से हमने इसमें 2.5 कटोरी पानी डाला है। इसे हमें 2 से 5 मिनट तक अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेना है, एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करना है। अब किसी भी चीज़ के अगर बैटर बना रहे हैं तो उसे हम जब भी मिक्स करते हैं तो एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना होता है। अब देखिए, हमने बैटर को 2-3 से 4 घंटे के लिए ऐसी मतलब बैटर बनाकर इसे रख दिया था। उसके बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे। और अभी हम फ्राई करने टाइम इसमें हम 1/2 चम्मच के करीब सोडा डाल देंगे, जो मेरे से इसका वीडियो मिस हो गया, जिससे कि अगर आप इसमें सोडा डालते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट बनते हैं। वैसे तो हमने इसमें नारियल पाउडर डाला है तो और सॉफ्ट बनेंगे ही और इसमें अच्छे से फूलेंगे ही अगर आप सोडा डालते हैं। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे करके मालपुए बना लेंगे।
ऐसे हम इसमें ऊपर से ऑयल डालेंगे तो ये अच्छे बहुत ही जल्दी पक जाएंगे और ख़राब भी नहीं होंगे जब हम इसे फ्राई करने उस समय। देखिए ऐसे में ऊपर से इसमें ऑयल डालते जाना है और यहाँ पर हम रिफाइन ऑयल लिए हैं, आप घी या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जिसमें कि स्मेल ना हो। आप इसको सरसों के तेल में फ्राई मत करना है, अगर आप उसको सरसों के तेल में फ्राई करते हैं तो अच्छे नहीं होंगे, उसमें स्मेल आएगा। ऐसे ही करके अब हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। देख लीजिए हमने इतना सारे मालपुए को फ्राई कर लिया है। हम आपको एक और दिखा देते हैं कैसे हमें फ्राई करना है। अभी हम एक एक डालकर फ्राई कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा मालपुआ फूल रहा है। इसमें हमने सोडा डाला है और नारियल पाउडर डाला है, इसीलिए अच्छे से फूल भी रहे हैं और सॉफ्ट भी हुए हैं। अब देख सकते हैं कि हमारे मालपुए बहुत ही टेस्टी बने हैं। ऐसे ही करके हम अपने सभी मालपुओं को बना लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। इसे हम बहुत ही हल्के हाथों से ऐसे पलटना है जिससे कि ये बिखरेंगे नहीं, फैलेंगे नहीं कढ़ाई में। और इसमें हमें ऊपर से ऑयल ऐसे डालते जाना है। हमें इसमें छोटे छोटे बातों का ध्यान रखना है जिससे कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी तरीके से मालपुए बन जाएंगे। जब भी हम मालपुए बनाते हैं तो हम अगर उस फ्राई करना है तो उसमें हमें एक ही दो का ऐसे डालकर फ्राई करेंगे। अब ज़्यादा मालपुए को एक ही साथ फ्राई करेंगे तो अच्छे से फ्राई भी नहीं होता है, बनाने में भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं एक या दो ही मालपुओं को एक साथ में फ्राई कर रही हूँ। अब हम इसे निकाल लेंगे और ऐसे ही हम अपने दूसरे मालपुए को जो हमने कढ़ाई में डाले उसे भी फ्राई कर लेंगे। ऐसे दबा दबा के इसमें का जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है निकाल देंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर देना।